हेलो एवरीवन, आई एम सुमित, वेलकम बैक टू एस मोटर। तो कैसे आप सब? अभी मैं आया हूँ तानी स्पोर्ट्स सेक्टर 15 नियर 32 माइलस्टोन। तो गाइस, आपको मैं रिव्यू दूंगा न्यू फोर्ड इको स्पोर्ट एससी वेरिएंट का, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, एक दो दिन हुए लॉन्च हुए। तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या उसके अंदर चेंजेस करे गए हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रही फोर्ड इको स्पोर्ट्स एससी वेरिएंट, जो कि अभी लॉन्च हुआ है 2021 में। तो दो तीन दिन हुए इसको लॉन्च हुए, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर और इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। पहले बताता हूँ, जो ये है डीजल वेरिएंट है, इसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी मेरे सामने खड़ा है डीजल वेरिएंट, तो अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको एयर इनटेक भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको रेडिएटर तक जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रोम कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, और बीच में आपको लोगो मिल जाता है फोर्ड का, देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है, और नीचे भी आपको एयर इनटेक देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, जो कि आपको रेडिएटर तक जाता है। और जो आपका बम्पर है, वो आपको बॉडी कलर मिल जाता है, और नीचे आपको ग्रेस कलर का टच भी दिया गया है। तो साइड में चलते हैं, इसकी हेडलाइट देखोगे तो हेडलाइट में चेंजेस करे गए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हाई भी मिल जाती है हैलोजन में। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगी, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोग लैंप मिल जाते हैं हैलोजन में, और हैलोजन में आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, एलईडी में इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। फ्रंट का जो बोनट है, आपको यहाँ पे स्पोर्टी बोनट देखने को मिल जाता है, थोड़े बहुत एजेस दिए गए हैं इसके ऊपर। तो इस साइड से देखोगे ऐसी कुछ ये लग रही है, तो साइड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं। इसके टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो आपको एलॉय देखने को मिल जाता है इसमें, गुड ईयर के आपको इसमें टायर देखने को मिलेगा, और टायर साइज आपको इसमें मिलता है 205/60 R16 के एलॉय देखने को मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। तो फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क, एंड रेयर में आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक, इसमें आपको ABS विद EBD देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको इसमें ORB मिल जाते हैं, ड्यूअल टोन में आपको ऊपर व्हाइट कलर का पार्ट मिलता है, नीचे आपको ब्लैक कलर मिल जाता है, और टर्न बाय इंडिकेटर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से देख सकते हैं ऐसे कुछ लग रही है, और आपको ऊपर रूफ रेल भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी। जो आपको ये डोर हैंडल है, वो आपको बॉडी कलर मिल जाता है। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, अगर जिस बंदे पास किया है तो आप इस पे वन टच करेंगे तो आपका जो लॉक है वो खुल जाएगा, देख सकते हैं। इसी पे आप वन टच करेंगे तो आपको लॉक बंद हो जाएगा, देखो बंद हो गया लॉक। तो ये भी एक चीज दी गई है, और जैसे लॉक होगी आपके ORBM फोल्ड होने लग जाएंगे। तो ये काफी बढ़िया फीचर दिया गया, जो आपके पैसेंजर साइड है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप चलते पीछे की साइड, तो पीछे देखोगे ऐसे कुछ लग रहे हैं पीछे से। तो मेन चेंज जो कि इसके अंदर करा गया है, वो इसके पीछे में करा गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका पीछे का व्यू, जो कि एक बार आपको छुपा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू। तो वाइज तैयार हो देखने के लिए पीछे का व्यू, तो देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ लग रहे हैं पीछे से, बिल्कुल चेंजमेंट लग रहा है ना पीछे से देखने में, कि भाई अलग सी कार देखने को लग रही है पीछे से, देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चेंज करा गया है इसके अंदर। तो अब आपको ये होगा कि भाई इसकी जो स्पेयर व्हील है वो कहाँ गया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले पीछे का बता देता हूँ क्या क्या इसके पीछे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा डिफोगर के साथ, यहाँ पे आपको वॉशर भी देखने को मिल जाता है, या आपको ऊपर एंटीना मिल जाता है देखने में। यहाँ पे बीच में आपको मिलेगी फोर्ड का लोगो, इस साइड लिखा है इको स्पोर्ट्स एससी वेरिएंट। तो देख सकते हैं एससी की बैचिंग आपको इसमें मिलता है, TDCI मतलब डीजल वेरिएंट है ये। और नीचे देख सकते हैं इसके बम्पर, वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, नीचे ग्रेस कलर का टच दिया गया है। इसकी बैक लाइट की बात करें, आपको इसमें जो इंडिकेटर वो भी हैलोजन मिलते हैं, और जो बैक लाइट है वो भी आपको इसमें हैलोजन ही देखने को मिलेगा, और दो पार्ट में ये डिवाइड है। तो अब इसका बूट स्पेस आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आपका ये पीछे का ये खुल जाएगा। तो ऐसे कुछ ये खुलता है, तो मेरे को लगा कि भाई ये थोड़ा बहुत चेंजमेंट करा होगा कि यहाँ से खुलेगा ये चीज़, बट अभी भी ये यहीं से खुलने वाली है। आपके जो पीछे की डिग्गी का जो गेट है वो यहीं से ऐसे खुलेगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे 325 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपकी फ्रंट सीट है वो 60/40 में भी फोल्ड हो सकती है, तो काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेट देखने को मिल जाती है पीछे की। तो आप सोचेंगे भाई इसका स्पेयर व्हील कहाँ है, तो नीचे भी आपको कोई स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपके फर्स्ट एड किट वगैरह है और कुछ मैनुअल्स है। तो भाई इस वाले वेरिएंट में आपको जो इसकी स्पेयर व्हील है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसकी जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका ये एयर इन्फिल्टर, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एयर इन्फिल्टर मिलेगा, एंड एक लिक्विड भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपके लेफ्ट साइड मिलेगा। तो ये एक लिक्विड है, तो बताता हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपकी कार में पंचर हो जाए। जो आप ये देख सकते हैं, इस ढक्कन को आप खोलेंगे एंड इसके भी ढक्कन को आप खोलेंगे, तो इसमें आप इसको अटैच कर सकते हैं, एंड पीछे से आप जो इसका पाइप है वो निकाल के अपने जो भी टायर पंचर है उसमें आप इसको
लगा दे एंड जो इसके अंदर लिक्विड है वो एयर के साथ अंदर जाएगा एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा जो आपको अपनी कार में लगा सकते हैं जिससे ये ऑन होएगा। तो ये लिक्विड अंदर जाएगा तो ये चलेगा, तो कम से कम ये 50 किलोमीटर चल सकता है। अगर आप 80 की स्पीड में इसको चलाओगे तो 50 किलोमीटर में आराम से आपको पंचर वाला मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें स्टेपनी हटा दी गई है, आपको इसके अंदर एयर इन्फ्लेटर देखने को मिलेगा और एक ये लिक्विड देखने को मिल जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। अंदर आपको यहाँ पे एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे एक हैंगर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बंद करते हैं इसके बैक को और चलते हैं अंदर की साइड। अंदर जाने से पहले इस साइड देखोगे ये आपका जो फ्यूल का जो है, तो आपको इसे फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी 52 लीटर की। तो ये डीजल वेरियंट है, आपको इसमें एवरेज मिलेगी 22 kmpl की, आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगी। इस साइड से बिल्कुल सेम है, मैंने बता दिया आपको साइड ग्लाइडिंग आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। अब अंदर की साइड चलते हैं, अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। पहले पीछे चलेंगे फिर फ्रंट में चलेंगे। तो पीछे आप खोलते हैं इसका, तो काफ़ी हैवी डोर है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और जो इसका इंटीरियर है वो आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाती है और ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। जो आपके डोर हैंडल है वो आपको इसमें क्रोम कलर के देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको बूफर देखने को मिलेगा, ये आपके जो बोतल होल्डर है वो मिल जाएगा, आप इसमें आराम से 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। तो अब अंदर की साइड चलते हैं। तो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट कर रखे फ्रंट वाली एडजस्ट एंड जो मेरा लेग स्पेस है वो काफी अच्छा मेरे को मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं इतना बढ़िया लेग स्पेस आपको देखने को मिल जाता है एंड जो ये सीट है वो अंदर की साइड धसी हुई है। यहाँ पे आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, तो काफ़ी एक बढ़िया स्पेस मिल रहा है। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है एंड कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ। सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को आपको इसके अंदर मिल जाती है एंड ऐसे कुछ आपको रूफ देखने को मिल जाएगी इसमें एंड फ्रंट में आपको इसमें मिल जाती है सनरूफ, उसके बारे में बात करेंगे। इस साइड देखोगे आपको यहाँ पे हेड रेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल है। दो हेड रेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बीच वाले में नहीं मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट देखने को मिल जाएगा। ओपन करते हैं इसको एंड इसके में आपको दो कप होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। आराम से आप अपना हाथ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे कप रखे होंगे जब आप अपना हाथ इस पे नहीं रह सकते। तो एक बढ़िया चीज़ लगी मेरे को ये एंड पीछे आपको कोई एसी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, कोई चार्जिंग स्लॉट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है एंड बीच में एक छोटा सा हम देखने को मिल जाएगा। जो बंदा बीच में बैठेगा उसको अपने पैर थोड़े फैला के रखने पड़ेंगे। तो आप चलते हैं आगे की साइड, तो आप चलते हैं अंदर की साइड। तो खोलता हूँ उसका मैं डोर, तो यहाँ पे आपको डोर ऐसे मिल जाता है ड्यूअल टोन में, आपको डोर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका डोर हैंडल है वो आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने मिल जाता है एंड यहाँ पे आपका लॉक एंड अनलॉक का टच बटन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 4 स्पीकर विद 2 ट्विटर एंड 1 सब वूफर देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच भी दिया गया है जैसे कि आप अपना हाथ रखें तो। एंड इधर आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं चारों के एंड इसमें आपको फ्रंट में जो ऑटो मिल जाता है, तो 1 टच आपको इसमें मिल जाता है। जैसे आप फ्रंट ऊपर साइड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा 1 टच में और इधर आपके ORM से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी बोतल रख सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। 2 बोतल आराम से आ जाएंगे इसमें एंड पेपर वगैरह आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप चलते हैं अंदर साइड, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको इसके अंदर हैंडल मिल जाता है एंड इंटर देख सकते हैं आपको इसमें ड्यूअल टोन में इंटर देखने को मिल जाता है। इधर आपको पुश बटन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी एंड ऐसा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंटल कंसोल दिख रहा है जो कि आपके डिस्प्ले है। एनालॉग विद डिजिटल आपको इसमें देखने को मिल जाती है आपकी MID, एनालॉग में आपका जो RPM देखने को मिलेगा। इधर आपको स्पीडोमीटर, ये आपका फ्यूल लेवल है, हीट लेवल है और बीच में यहाँ पे MID मिल जाती है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, फोन के यहाँ पे सेटिंग, ट्रिप कम्युनिकेशन, माई व्यू एंड FM वगैरह के बहुत सारे कंट्रोल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इस साइड आपको जो आपकी लाइट है उससे कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जैसे इसको आप टर्न करोगे देख सकते हैं फ्रंट में आपके जो लाइट है वो ऑन हो गई है। यहाँ पे आप अपनी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आप देखोगे यहाँ पे आपको 2 कंट्रोल्स दिए गए जिससे आप जो आपके डिस्प्ले है उसकी लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको आप माइनस करोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी एंड यहाँ से आप प्लस करोगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। AC वेंट्स देख सकते हो, पहले जैसे AC वेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जो हैंडल है वो आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, लेदर फिनिशिंग आपको इसके अंदर मिलती है, ऑल ब्लैक आपको ये जो हैंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोर्ड की बैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। एयरबैग की बात करें आपको इसके अंदर 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे और जो आपके साइड का टेन है वहाँ पे भी आपको एयरबैग देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सीट के पास भी, सीट के अंदर भी एयरबैग देखने को मिलेगा इसमें। तो काफ़ी एक अच्छा फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल के बटन्स, इस साइड आपको मीडिया कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाएगा, वॉइस कंट्रोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको मिल जाएंगे जो आपके फ्रंट वाइपर है उसके कंट्रोल एंड बैक वाइपर के। इधर आपको इंडिकेटर के कंट्रोल एंड हाई बीम एंड लो बीम का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इस साइड जो इसका हैंडल है वो आपको इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप इसको कर सकते हैं। जो आपकी ड्राइवर सीट है उसकी आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ओनली आपको ड्राइवर साइड में देखने को मिलेगा ये फंक्शन। ये आपके डिस्प्ले मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपका 8.5 इंच का देखने को मिल जाएगा एंड काफ़ी आप
अच्छा है कि इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला, थोड़ा बहुत हल्का सा लैग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। कि आपका ये FM वगैरह है, फोन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड विद एप्पल कार प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है, आप अपने एंड्रॉइड या एप्पल कार प्ले से आप इसमें नेविगेशन दे सकते हैं अपनी। यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। इसमें एक और फीचर दिया गया है एम्बिएंट लाइट का, तो यहाँ से आपको ये 2, 2, 4, 5, 6, 7 कलर आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके जो आप यहाँ पे लेग के पास है वहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे मैं रेड पे टच करता हूँ तो इस साइड देख सकते हैं रेड का इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑरेंज पे देखेंगे तो ऑरेंज इफेक्ट आ गया, ये ब्लू, ये पर्पल, तो ये काफी अच्छा फीचर मेरे को लगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके, एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेगा। बीच में आपके जो हजार्ड लाइट है उसका ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा बीच में। ये आपके एसी कंट्रोल से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। यूएसबी टाइप ए के 2 सॉकेट मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल विद हिल रोड कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेदर फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे भी, और क्रोम की फिनिशिंग दे सकते हैं यहाँ पे दी गई है। ये आपका हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आप अपने 2 कप होल्डर रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत कॉइन वगैरह, इधर भी कॉइन वगैरह आप रख सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे स्पेस है काफी अच्छा, 2 बोतल रख सकते हैं। यहाँ अपने पेपर वगैरह कुछ चार्जर वगैरह रख सकते हैं, काफी एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट ये आगे पीछे नहीं होता, एक जगह रहेगा ये। और इस साइड देखोगे ऐसा कुछ लग रहा है, इधर भी सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 जगह मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, ऊपर एंड नीचे, और यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है ये, नॉर्मल वाला है। और इसमें आपको IR भी मिल जाते हैं ऑटो डिमिंग के साथ। जो आपका सनवाइजर है ड्राइवर साइड, उसमें आपको मिरर देखने को नहीं मिलता, आपको पैसेंजर साइड देखने को मिल जाएगा मिरर विद लाइट। तो ये मैनुअली कंट्रोल आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है हैलोजन में जो की, और यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाएगा। ये आपका सन ग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और इसमें आप सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। वन टच में पूरी बैक चली जाती है, फुल खुल जाती है, सनरूफ दे सकते हैं। एंड एक और इसमें फीचर दिया गया है, जैसे आप अपने सनरूफ बंद करेंगे, आपका हाथ वगैरह इसके अंदर है या बच्चा खड़ा है, तो ये इसमें आपको एंटी पिच ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये आपके हाथ के पास आएगा एंड बैक चला जाएगा ये। तो एक सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो कि मतलब बच्चे वगैरह जैसे खड़ा है यहाँ पे, कोई बच्चे ने हाथ लगा दिया इसे बंद कर दिया इसको, तो वो बच्चा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बकेट सीट देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मेरे को ये सीट। तो आप बाहर चलते हैं तो आपको इसके इंजन स्पेक्स बताता हूँ मैं बाहर चल के, इसके क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो बाहर की साइड चलते हैं। अब इसका मैं खोल देता हूँ फ्रंट बोनट, तो यहाँ से आप इसका फ्रंट बोनट खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका फ्रंट बोनट खुल गया, तो चलते हैं बोनट की साइड, दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या कैसा इसका इंजन है एंड इंसुलेशन वगैरह दी गई है नहीं। तो खोलते इसका फ्रंट बोनट, तो काफ़ी हैवी इसका बोनट है एंड इंसुलेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी क्लीन सा इंजन दिया गया, ब्लैक कलर टच अंदर दिया गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इंजन स्पेक्स की बात करें, आपको इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि BS6 है। एंड इसमें आपको पावर मिल जाती है 100 BHP, एंड टॉर्क आपको इसमें मिलती है 215 Nm आपको इसमें टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क ज़्यादा इसलिए क्योंकि डीजल वेरियंट है। आपको मैं पेट्रोल वेरियंट की भी पावर बता देता हूँ, पेट्रोल वेरियंट में 1.5 लीटर आता है और उसकी पावर आपको इसमें उसमें मिल जाते हैं 122 BHP, एंड टॉर्क आपको उसमें 152 Nm। तो उसमें आपको पावर ज़्यादा मिलती है, टॉर्क कम मिलता है, क्योंकि डीजल वेरिएंट में आपको पिकअप ज़्यादा बढ़िया मिलता है और टॉप एंड थोड़ा कम मिलता है। ये क्लीन सा काफ़ी बढ़िया सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में इंजन भी। तो बंद करते हैं, ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस थी। तो गाइस कैसे लगी आपको कार एंड वीडियो बताएं आप कमेंट में। और ये अपने साथ है रमन भाई, तो शोरूम की डिटेल बताएंगे भैया। हमारा शोरूम की जो लोकेशन है वो सेक्टर 15 नियर गैलेक्सी होटल के पास में है। और जो अभी आपने वीडियो देखी वो है टाइटेनियम प्लस SC मॉडल, जो कि फोर्ड ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। अब इसकी कुछ प्राइसिंग का है वो मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ, बाकी डिटेल्स हमारे सर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देंगे। तो गाड़ी जो एक्स शोरूम प्राइस है स्टार्टिंग 10,99,000 से स्टार्टिंग है, ऑन रोड आपका 12,50,000 में जाती है। तो गाइज जो आपका जो प्राइस है SC वेरिएंट का 12,50,000 है, और बाकी मैं प्राइस लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा।
गुड़गांव का आपको ये प्राइस बताया हमने। तो बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, एंड कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको ऐसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।